पत्नी अपने आप को माइनस जीरो से भी कम अंक देती हैं अंजना सिंह और यश मिश्रा। इन दोनों की शादी को हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। आपको पता है कि अंजना सिंह अपने आप को बेटर पत्नी नहीं मानती। इस बात का खुलासा हम नहीं कर रहे हैं और ना ही अपनी मनगढ़ंत कोई बात बता रहे हैं, हम आपको अंजना सिंह द्वारा कही हुई बात को ही बता रहे हैं। जब निशांत उज्जवल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए और उसमें उन्होंने कनेक्ट किया अंजना सिंह को, जैसे कि आप जानते हैं निशांत उज्जवल ने इस लॉकडाउन में लगातार कई बड़े सिलेब्स के इंटरव्यू किए, तो उन्होंने इस क्रम में अंजना सिंह को भी जोड़ डाला और कई सवालात उनसे किए जिसकी बेबाकी से जवाब दिया अंजना सिंह ने। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े ही कम बेबाक एक्टर हैं और उनमें से एक एक्ट्रेस है हमारी अंजना सिंह, उनकी बेबाकी बहुत अच्छी लगती है। खैर, बातों को गोल गोल नहीं घुमाते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों अपने आप को माइनस जीरो अंक पर आउट ऑफ 10 आंकती हैं एज अ वाइफ अंजना सिंह। आप क्या सोचते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन पहले अंजना सिंह द्वारा ही कहे गए जो शब्द हैं उन्हें सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। उसमें खुद को आप 1 out of 10 मतलब 1 से 10 में कितना अंक दीजिएगा खुद को, वो पूछ रहा हूं मैं। एज एन एक्ट्रेस अंजना सिंह खुद को कितना अंक देती है 1 से 10 में? 8 दो कम। एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में आप खुद को कितना नंबर दें? माइनस जीरो मतलब जीरो बोल दीजिए, जीरो। एज अ मदर 10 out of 10। तो सुना आपने अंजना सिंह ने क्या कहा कि एज अ वाइफ वो अपने आप को माइनस जीरो अंक देती है 10 out of, और एक्ट्रेस 10 out of 8 देती हैं और मदर 10 out of 10 देती हैं। आपको पता ही है कि वो एक बच्चे की मम्मी भी हैं और जिस पे हमने प्रीवियस एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। खैर, हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं किन तलखियों की वजह से वैसे अंजना सिंह और यश मिश्रा में तलाक नहीं हुआ है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं मीरा रोड में, अंजना सिंह के पास ही उनकी बेटी अदिति रहती हैं और अदिति की वजह से ही इन दोनों ने अभी तक तलाक नहीं लिया हुआ है। ये दोनों अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करते हैं। अंजना हार्ड वर्किंग है, अंजना कभी भी किसी भी आपको विवाद में फंसती नजर नहीं आते देखी गई होंगी। अंजना का खेसारी के साथ एक विवाद हुआ था लेकिन वो भी समय रहते सुलझ गया, लेकिन जब बात यश मिश्रा की आती है तो अंजना चुप्पी साध लेती हैं। अंजना शायद घर की बातों को, घर की जो उनकी तलखियां हैं उसे मीडिया में आने देना नहीं चाहती। ये उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है, लेकिन पर्सनली अंजना बहुत सुलझी हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि अंजना इंडस्ट्री की हर एक नस से वाकिफ है और हर एक दौर को उन्होंने देखा है। इस पर वो बड़े ही सुलझे और सलीके ढंग से आंसर करती हैं। खुश मिजाज है, हॉट केक है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अगर इंसान अपने आप को माइनस जीरो का दर्जा देता है कि वो यहाँ सफल नहीं हो पाया, अगर वो ये कहता है कि हो सकता है मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी शादी सरवाइव नहीं कर पाई, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि उसने भरपूर कोशिश की है। भरपूर कोशिश इसलिए की है क्योंकि जहाँ उसको ऐसा लगा कि हाँ अब नहीं रहा जा सकता, क्योंकि अंजना की बातों को अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि अंजना काफ़ी स्वाभिमानी है, सेल्फ डिपेंडेंट तो वो है ही और यश से कहीं ज़्यादा फलता फूलता करियर है उनके पास। खैर, इनके बीच क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन बातों ने ध्यान खींचा तो आपको बताना हमने ज़रूरी समझा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।